हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई रीडिंग है, आपके फ्यूचर्स पावर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो गाइस, आपके फ्यूचर्स पावर्स की जो सोच है वो आपको लेकर कैसी है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। एनर्जी से ही पता चलेगा, ये एनर्जी ओरिकल है। ओके, तो आपके फ्यूचर्स पावर्स की सोच आपको लेकर कैसी है, क्या है यूनिवर्स डिवाइन बताइए, फ्यूचर्स पावर्स उनके बारे में क्या सोचते हैं। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, फर्स्ट चक्र आर्क एंजल माइकल, रूट चक्र गाइस एंजल ऑफ बैलेंस, और लास्ट कार्ड हमारे पास है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है अटैचमेंट। ओके, अब यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन उनके फ्यूचर स्पाउस की उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए। एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, नाइन ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन द हर्मिट वर्गो, किंग ऑफ पेंटिकल फिर से अर्थ एलिमेंट पेज ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स पेज ऑफ पेंटिकल लास्ट में क्यों है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके फ्यूचर्स पाउस आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको पता है। वो यही मानते हैं कि आप दिल के साफ इंसान हों, जो बहुत ही अच्छे और प्यारे पर्सन हों, जिनका दिल बहुत बड़ा है। वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप बहुत ही स्ट्रांग हो, मेंटली फिजिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रखते हो और दूसरों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत भी करते हो। तो इस वजह आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होने की वजह से किसी के भी आंसर फटाक से देना जानते हो, और ये बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो आपको लेकर ये भी मानते हैं कि आप अपने क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हो और उसमें पॉजिटिविटी से सोचने की वजह से आप उसमें एस्टेब्लिश भी हो रहे हो और स्टेबिलिटी पा रहे हो, वो मुझे पसंद है। और आप अपने कैरियर के ऊपर भी बहुत अच्छा फोकस कर रहे हो और कैरियर में सेटल होने के बारे में सोच रहे हो, तो वो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती है। आप अपने आप को बहुत ही बैलेंस रखते हो, अपने स्वभाव के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो। जब भी आप दूसरे लोगों के साथ बातचीत करते हो तब आप क्या बोल रहे हो और किस तरह से बोल रहे हो उसके ऊपर ध्यान देते हो, और आप अपनी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान है, और आपके एटिकेट्स के ऊपर भी आपका बहुत ज़्यादा फोकस है, जिसके चलते आप असाधारण तरीके से बहुत ही खूबसूरत इंसान दिखते हो। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशनों भी देखी है जिसमें आप को लगा था कि आप हार ही मान लोगे, लेकिन फिर से आप उसमें बिल्डअप होने की कोशिश की, फिर से आप में उठ खड़े हुए और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपको लेकर वो ये भी मानते हैं कि कभी भी आप अपने आप को किसी भी चीज़ में सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस नहीं करना चाहते हो, इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, और इसके चलते आपकी एनर्जी को आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो कि आप किसके साथ किस तरह के हो, जिसके चलते आपकी एनर्जी कहीं दूसरे लोगों को नेगेटिव ना मिल जाए। तो इसका फोकस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद है, ध्यान है और कॉन्शियस हो, जिसके चलते आप अपने स्वभाव को रूखे वे में दूसरों के सामने नहीं रखते हो, यानी कि अपनी पूरी कोशिश करते हो कि मुझे रूखे वे में किसी के साथ भी बातचीत नहीं करनी है, किसी भी तरह मुझे अपने आप को संभालना है और अपने खुद के नेचर के ऊपर कंट्रोल रखना है। आपको लेकर
वो ये भी मानते हैं, वो ये भी सोचते हैं कि आपका एक ड्रेसिंग सेंस बहुत ही लाजवाब है, जिसके चलते आप किसी भी तरह के एक क्लोथ्स में बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दिखते हो, और वो वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप बहुत ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस हो, जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, और इसके चलते आप अपनी एक पर्सनालिटी को बहुत ही खूबसूरत लोगों के सामने रखते हो, और आपके अंदर ठहराव भी है जो मैंने आपके अंदर देखा है। हाँ, कभी कभी एक बातचीत के लहके में थोड़ा आप बहुत ज़्यादा बोल जाते हो, जिसके चलते कभी कभी आप सोच में भी पड़ जाते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर कंट्रोल होने की वजह से आप अपनी मैच्योरिटी को कटिबद्ध करते हो और व्यवस्थित रख पाते हो, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके बारे में वो ये भी सोचते हैं कि आप अपनी एक आपकी एक फैमिली की स्टेबिलिटी है, उसके चलते किसी भी तरह का घमंड नहीं करते हो और घमंड से किसी के साथ बातचीत नहीं करते हो। आपके अंदर बहुत ही अच्छा वे है, या फिर मैं कहूँ कि बहुत ही समझदारी है, कि आपके पास इतनी अच्छी पैसों को लेकर एक प्रॉस्परिटी है, फिर भी आप सभी इंसानों के साथ इक्वल और बहुत ही सहजता से बातचीत करते हो, वो मुझे बहुत पसंद आता है। वो आपके बारे में ये भी मानते हैं कि आप अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से संभालते हो, बहुत अच्छी तरीके से आपको अपने आप को संभालना आता है। आप बहुत ही दूसरों से डिफरेंट हो, अलग हो, और आपको अपने आप को जब अच्छे तरीके से संभालते हो तो यही आपकी यूनिक पर्सनालिटी दूसरों से आपको अलग बनाती है। वेरी नाइस। तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में यही मानते हैं कि आप इतने आपकी पैसों को लेकर एस्टैब्लिश है या फिर स्टेबिलिटी है, फिर भी घमंड नहीं है, लेकिन आप पैसों के दम से किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आप पैसों की वैल्यू भी कभी कभी नहीं करते हो। आपको लगता है कि मैं एक बहुत ही सदर इंसान हूँ तो मुझे ज़्यादा पैसों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, इसके चलते आप बहुत सारे लोगों के ऊपर पैसे खर्च करते हो और बहुत सारे लोगों को खुश भी रखते हो अपने पैसे के दम से, तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको अपने पैरों के खड़े होते हुए अपने पैसों से किसी को कुछ देना चाहिए, इस तरह से दूसरे लोगों के लिए खर्च करना आपके लिए हितावह नहीं है, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल जो भी है वो आपके पैसों के दम से ही आपके साथ फ्रेंडशिप करने आते हैं, आपके नेचर वाइज वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो ये मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, वो इस तरह से सोचते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में यही मानते हैं कि आपको संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग आ रहे हैं वो आपको धोखा भी दे सकते हैं, और वो सिर्फ एक मतलब के लिए आ रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए ही आ रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि उनका एक मतलब पूरा हो जाएगा तो वो आपको छोड़ देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और बहुत ज़्यादा आप हर्ट होंगे। इसके चलते आपको ध्यान देना चाहिए कि आप किसके साथ दोस्ती कर रहे हो और किस कौन पसंद अच्छा है और कौन पसंद नहीं अच्छा है, वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके बारे में ये भी मानते हैं कि आपके आसपास के लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, जिसके चलते कभी कभी आप उनसे थोड़े दूर होते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और सैड हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस नज़र आती है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप सभी के साथ दिल से जुड़ते हो तो इतना ज़्यादा लगाव या अटैचमेंट नहीं होना है कि आप अपने आप को ही संभाल ना पाओ, इस तरह से वो आपको देखते हैं, कि आपको अपने आप को वीक नहीं बनाना है किसी भी तरह का अटैचमेंट से, चाहे वो एक चीज़ों को लेकर अटैचमेंट हो, या फ्रेंड को लेकर अटैचमेंट हो, या फिर सिचुएशन को लेकर अटैचमेंट हो, वो आपके लिए ठीक नहीं है। आप इससे भी बहुत कुछ आगे कर सकते हो, इतना आपके अंदर पावर है, इतना अंदर आपके अंदर यानी कि स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो इस तरह से स्ट्रांग ही रहो,
वीक होने की ज़रूरत नहीं है। आपके बारे में वो ये भी मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान एक दिन बनोगे, और अभी भी अपने स्वभाव से बहुत ज़्यादा सक्सेस हो। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने स्वभाव से, अपने व्यक्तित्व से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो, और आपकी सोच बहुत बड़ी है जो आपको बहुत ज़्यादा आगे तक ले जाएगी। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। लव यू, बाय।